तो मैंने ये वही वाला क्या कहते हैं डायलॉग फ्लो की ऐप ओपन कर लिया जो लास्ट हम कर रहे थे। अच्छा, तो हमने कहाँ तक कर लिया था? वेबहुक से हमने जेसन में रिस्पांस भिजवा दिया था, लेकिन हम ये भी हमने कल डिस्कवर कर लिया था कि वेबहुक से जेसन में रिस्पांस भिजवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो उसके लिए हम क्या तरीका करेंगे? उसके लिए हम एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब वो कोड भी खोल लेते हैं जो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे। ओके, सेक्शन है। अच्छा जी, तो ये मेरे वेबहुक का जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक अंदर लाइब्रेरी चाहिए, उस लाइब्रेरी का नाम है डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट। ये तो टॉप टू चैटबॉट है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, तो अब ये सेम जो जेसन वाला काम है, इतना लंबा चौड़ा किया हुआ है, ये मैं डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट के जरिए करूँगा। ये काम कैसे इंस्टॉल होगा? पहले तो मैं इतने कोड को रन कर लेता हूँ। इतने कोड को रन करके जो है ना, इसको देख लेते हैं चला के कि कल जितना चल रहा था वो अभी तक चल रहा है कि नहीं। cd dialog flow cd 4, ठीक है, npm run dev। तो ये मेरा वेबहुक इस वक्त चल चुका है, और इस वेबहुक को मुझे डायलॉग फ्लो पे कनेक्ट करने के लिए ngrok चाहिए। ngrok http और 7001 एंटर। जो पुराना ngrok का लिंक था जाहिर है वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि जब तक ये टर्मिनल ओपन है जब तक ही ये लिंक काम करता है, उसके बाद ये लिंक क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। तो मैं इसके फुलफिलमेंट में गया, और फुलफिलमेंट में जाके मैंने ये लिंक पुराना वाला चेंज कर दिया, ताकि अब जब डायलॉग फ्लो से कोई बात करे तो मेरे इस नए URL पे रिक्वेस्ट भेजा जाए। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद यहाँ पे कौन सा वाला ऐसा इंटेंट था जिसमें वेबहुक इनेबल था? वेदर वाला। ठीक है, अच्छा, अलेक्सा में क्या होता था कि हर इंटेंट का जो रिक्वेस्ट है वो वेबहुक में चली जाती थी, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जिस इंटेंट में जाके मैं ये चीज़ इनेबल करूँगा सिर्फ उसी में जो है ना वो जा रहा होगा, ये वाला इनेबल वेबहुक फॉर वेबहुक कॉल फॉर दिस इंटेंट, अदरवाइज वो उसको बिला वजह वेबहुक पे नहीं भेजेगा। ठीक है जी, तो मैं इससे कहता हूँ हाय, अभी ये रिक्वेस्ट वेबहुक में नहीं भेजी इसने। अरे थैंक यू सो मच यार, शुक्रिया। कौन सी वाली लाइट बंद कर दो? ये वाली। अच्छा जी, तो भाई बेहतरीन माहौल बन चुका है, पठान चाय लेकर आ चुका है मेरे लिए। और बच्चे भी सारे जो है वो रेडी हैं। भाई जिसको भी नज़र नहीं आ रहा ना दूर से प्रोजेक्टर, वो करीब आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ देखना है और घर से करके लाना है। आज तो मैंने चलो जाके एक एक सीट पे चेक नहीं किया कि आपने लास्ट वाली क्लास का काम किया कि नहीं किया, लेकिन अगली क्लास में ये जो मैं आज करवा रहा हूँ ये मैं चेक करूँगा। तो प्लीज़ करके आइएगा यार, हमारा ये लास्ट वीक रह गया, ये आज ये वीक ख़त्म हो रहा है, फ्राइडे आज। अब अगला जो वीक आएगा ना, 3 क्लासें और हैं आपकी, उस 3 क्लासों में मैं जो करवा सकूँगा मैक्सिमम अपने उस पर मैं करवा दूँगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर फिर भी कुछ चीज़ रह जाती है तो वो ज़ाहिर है कंटेंट तो क्लास का मैंने पूरा कर ही दिया है, वो मैं अभी हम क्या कर रहे हैं, वेबहुक कर रहे हैं। इसके बाद SSML, रिच रिस्पॉन्सेज, ये दो चीज़ें करवाऊँगा तो हमारे क्लास का कॉन्टेंट पूरा हो जाएगा। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें और करवानी थी, जैसे कस्टम एम्बेडेड करवाना था, अब वो कस्टम एम्बेडेड नहीं हो पाएगा मेरा ख्याल। कस्टम एम्बेडेड ये होता है कि जैसे डायलॉग फ्लो का जो एम्बेडेड लिंक लगाते हो ना तो कोने में छोटा सा बन के आ जाता है, निकलता है जो, वैसा खुद का बनाना बताना चाह रहा था मैं, ठीक है, कि अपना बना के हरिको पे होस्ट करके किसी को भी URL दो तो वो तुम्हारा वहाँ पे लग जाए, क्योंकि जो डायलॉग फ्लो वाला है उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। लोगों को तो चलो चेंज करने दे देता है, वो कलर भी चेंज हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते आप उसमें, तो वैसा आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊँ, एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं कि जब खुद का बनाते हैं आप तो उसमें फिर क्या चीज़ें हम कर रहे होते हैं। ये एक वेबसाइट मैंने खोली है, इसके ऊपर एक बनाया था मैंने बहुत पहले, तो वो इस पर लगा मैं
हाँ रिएक्ट पे खुल जा भाई, क्या हो गया? वेबसाइट लोड थोड़ी स्लो हो रही है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। वो कोने में वो नहीं आया ना हमारा? नहीं नहीं हटा कैसे दिया होगा? अभी मैंने कल परसों ही तो उसको डिसेबल मारा है। चलो खैर फिर कभी दिखाता हूँ तुम्हें, अभी वो पता नहीं क्यों लोड नहीं होगा, अभी उसके चक्कर में लगेंगे तुम्हारा मेन कंटेंट फिर आगे पीछे हो जाएगा। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, अभी मैंने हाय लिखा है तो हाय का जो रिक्वेस्ट थी वो मेरे वेबहुक पे नहीं पहुँची है। ठीक है, अगर वेबहुक पे मेरे वो पहुँचती तो कोई ना कोई मेरे पास कॉन्सोल आता है यहाँ पर। ठीक है, ये पैराम्स जो मैंने कॉन्सोल किए हैं ये आते मेरे पास, लेकिन वो नहीं आया अभी, तो इसका मतलब है यार रिक्वेस्ट नहीं पहुंची। अब मैं इससे पूछूंगा व्हाट्स द वेदर, एंटर, तो ये मुझसे एक सवाल पूछता है टेल मी सिटी नेम। अभी भी रिक्वेस्ट वहाँ गई नहीं है, मैंने कहा कराची और एंटर। अब ये रिक्वेस्ट वेबहुक पर गई होगी और वहाँ से रिस्पॉन्स लेकर आया होगा। ठीक है, पैरम्स डॉट सिटी कराची यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी हम वेबहुक में कोई API कॉल नहीं कर रहे, लेकिन इस पॉइंट पर हम कर सकते हैं और वो आप लोगों को आती है पहले से। ठीक है, तो वो एक्सप्लिसिटली बताना उसमें ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद मैंने जेसन से ये रिस्पांस भेज दिया। ठीक है, तो ये इतना कोड मेरा चल रहा है, प्रॉपरली चल रहा है, कोई इसमें इशू नहीं है इतने कोड में। अब इस जेसन को मैंने रिप्लेस करना है एक लाइब्रेरी से, उस लाइब्रेरी का नाम है डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट। ठीक है जी, और NPM भी लिख देता हूँ साथ में। ठीक है जी, तो ये डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट पर आ चुके हैं, ये वो लाइब्रेरी है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये कमांड पूरी कॉपी हो गई है मेरे पास। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपने सर्वर को रोकूंगा, सर्वर को रोक के उसको इंस्टॉल करूँगा npm i dialogflow-fulfillment। ठीक है, जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाती है तो मैं अपने सर्वर को दोबारा से रन कर दूँगा। ये मेरा सर्वर दोबारा से रन हो गया, राइट। अच्छा, इस लाइब्रेरी की कहने को तो डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने की भी है यहाँ पे कि रिक्वायर कैसे करना है इसको और फिर उसको नीचे इनिशियलाइज कैसे करना है, लेकिन थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि असल में इस लाइब्रेरी की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो उसका क्या हल है वो भी बता देता हूँ फिर। ठीक है भाई, वेबहुक क्लाइंट यहाँ पे आ गया। अब ये वेबहुक क्लाइंट जो है ये कैसा है, अलेक्सा याद आ रहा है? अलेक्सा में भी सेम इसी तरह होता था, ऊपर से हम रिक्वायर करते थे और रिक्वायर करके फिर डॉट बिल्ड रिस्पॉन्स ऐसे करके भेज रहे होते थे। अब इसमें देखते हैं वो काम कैसे होता है। अब इसने बोला कि क्रिएट एन इंस्टेंस ऐसे करो आप, और इंस्टेंस करने के बाद आप बोलोगे कॉन्स्टेंट एजेंट इक्वल्स टू न्यू वेबहुक क्लाइंट। तो मैंने ये काम कर दिया आके। अब यहाँ पे मैं ये काम कैसे करूँगा, मुझे पूरा जो हैंडल है ना अपने अपने पूरे वेबहुक का जो हैंडल है वो पूरा उसके हवाले करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो स्लैश वेबहुक है ना इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये कोड भी सेव हो जाए, और अब मैं एक नया बनाता हूँ इसी तरह का और उसका मैं पूरा कंट्रोल इसको दे रहा हूँ, पूरा कंट्रोल मैं इस वाले को दे दूंगा जो मेरी लाइब्रेरी है, राइट। ये आ गया, अब वो कोड मेरा नीचे चला गया, उसको भी भूल जाओ, सही है। अब जैसे ही मेरा ये साइड बार को भी बंद कर दिया मैंने ताकि स्पेस मिल जाए मुझे अच्छा सा, अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी
मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कॉन्स्टेंट एजेंट, एजेंट क्या होगा फिर मेरी ऐप बन जाएगी, इसके पास पूरा हैंडल होगा। अच्छा एलेक्सा में इसका क्या नाम होता था इस तरह के वेरिएबल का, याद है? भूल गया। चलो न्यू वेबहुक क्लाइंट, ये वेबहुक क्लाइंट वो जो मैंने ऊपर से रिक्वायर किया हुआ है, रिक्वेस्ट इक्वल्स रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स इक्वल्स रिस्पॉन्स। तो मेरे पास रिक्वेस्ट का नाम है आर ई क्यू, तो मैं इसको आर ई क्यू कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा आर ई एस। ठीक है, अब मैंने ये रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट किसके हवाले कर दिया, वेबहुक क्लाइंट के नाम से एक लाइब्रेरी थी उसके हवाले कर दिया। ठीक है, अब मैं पैरामीटर्स गेट भी जो करूँगा वो भी इस लाइब्रेरी के जरिए करूँगा, अलेक्सा में भी हम ऐसे ही करते थे। ठीक है, और अलेक्सा डॉट गेट करके हम गेट स्लॉट्स करते थे। ठीक है, अलेक्सा डॉट गेट इंटेंट नेम ऐसे करके करते थे। अब इसमें मैं उसी तरह से करूँगा। अब ये हो गया भाई मेरा काम यहाँ से कंप्लीट, यहाँ तक का। अब आगे देखते हैं आगे क्या काम बता रहे हैं ये। ठीक है, अच्छा फिर इन्होंने बोला कि यार आगे का काम ना आप खुद से जाके देख लो, ये हमने एग्जांपल्स छोटी छोटी बना के रखी हुई है, यहाँ से आप जाके देख लो। ठीक है, अच्छा तो हम इसमें से रैंडमली कोई सा भी एक खोल लेते हैं, टेम्परेचर ट्रिविया ये वाला खोल लेते हैं हम। इन्होंने पहले से ये पूरी ऐप बना के रखी हुई है कि भाई इस तरह से होता है। अच्छा इसको फायरबेस फंक्शन पे बिल्ड किया हुआ है इन्होंने, नॉट जेएस के एक्सप्रेस सर्वर पे नहीं किया हुआ। तो फंक्शंस के अंदर चला जाता हूँ मैं और फंक्शन के इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ से जाके देखता हूँ कि इन्होंने किस तरह से इस काम को किया हुआ है। यहाँ पे ये वो लाइन है जो मैं अभी तक लिख चुका हूँ, सही है? यहाँ तक वाली लाइन में क्या कर चुका हूँ, अभी तक मैं लिख चुका हूँ। अच्छा उसके बाद मुझे ये क्या कह रहा है कि भाई एक फंक्शन बना दो आप इस तरह का, सही है? एक फंक्शन बना दो वेलकम। तो मैंने आके क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया वेलकम। ठीक है, और इस फंक्शन को मैंने, ये मेरा एक फंक्शन है एक अगर। ठीक है, फिर ये कह रहा है मुझे कि एक और फंक्शन बना दो आप, कन्वर्ट फॉरन हाइट टू सेल्सियस। तो मैंने ये फंक्शन भी बना दिया, सही है? ये फंक्शन कहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है, तो मैंने ये फंक्शन भी बना दिया। अभी फंक्शन को हम देख नहीं रहे कि फंक्शन के अंदर क्या है, ये कह रहा है कि बना दो बस। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा फंक्शन भी है, लेकिन चलो हम दो बना लिया काफ़ी है, उसी पे टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फॉल बैक भी बना दो, फॉल बैक भी चलो बना देते हैं। अलेक्सा में भी ऐसे ही होता था ना, लाउंज इंटेंट, उसके बाद बाकी बीच के सारे इंटेंट, लास्ट में हम एरर हैंडलर इंटेंट हैंडलर रखते थे, सही है? एरर इंटेंट हैंडलर। तो ये सेम वही काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा उसके बाद इसने मुझे कहा कि ये वाली लाइन आप लिख दो पूरी एज इट इज, तो मैंने ये वाली लाइन पूरी एज इट इज यहाँ पे लिख दी। ठीक है, लेट इंटेंट मैप इक्वल्स न्यू मैप। अच्छा ये मैप जो है ये जावास्क्रिप्ट की एक चीज़ है। ठीक है, मैप पता है किसी को, कोई बता सकता है कि ये मैप जावास्क्रिप्ट में किस चीज़ को कहते हैं? डेटा स्ट्रक्चर तो मुश्किल बात कर दी ना, आसान सी बात करो, कोई सबको समझ आएगा। की वैल्यू पेयर होता है, सही है? मैप जो होता है असल में वो क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, एक जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है ये वही बना रहा होता है एक्चुअली बिहाइंड द सीन। ठीक है, तो ये मैप समझ जो एक तरह का क्या बन गया है, न्यू मैप करके इसने एक अदद जेसन का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें ये कह रहा है कि इंटेंट मैप डॉट सेट डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट अगर हो ना, ये इंटेंट का नाम है यहाँ पे, राइट? डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट अगर आए यूजर की तरफ से तो उस पर वेलकम का फंक्शन चला दो, ये कह रहा है। ठीक है, कन्वर्ट फॉरन हाइट टू सेल्सियस अगर आए तो ये चला दो। तो मेरे केस में तो ये चीज़ें है ही नहीं, मेरे केस में क्या है, मैं वेलकम के बाद एक लिखूंगा वेदर, है ना? वेदर है मेरे केस में। ठीक है, वेदर में मैंने कहा कि भाई वेदर का फंक्शन चलाओ। ठीक है, मैंने इस फंक्शन को कह दिया वेदर का फंक्शन है ये, वेलकम वेदर और फॉल बैक, मेरे पास तीन फंक्शन है टोटल, तीनों को मैंने यहाँ पे मैप करवा दिया, सही है? ये जो लाइन है ना ये बॉयलर प्लेट है और जितने फंक्शन ऐड करते जाएंगे उतनी लाइन हम बीच में ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, ये कमेंट यहाँ से, ठीक है, इंटेंट के नेम्स हैं यहाँ पे, देखो कमेंट में लिखा हुआ भी है कि इंटेंट के नाम से हो रहा है। अच्छा ये जो वेदर मैंने नाम लिखा है मैं इसको मैच कर लेता हूँ कि मेरे डायलॉग फ्लो के इंटेंट से एग्जैक्टली मैच कर रहा है या मैंने, हाँ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, अच्छा मैं वेलकम इंटेंट में जब जाता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे वेलकम इंटेंट बनाया हुआ है, लेकिन क्या वेलकम इंटेंट जब हिट होगा यानी यूजर जब हाई बोलेगा तो यहाँ रिक्वेस्ट आएगी?
नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वेलकम में तो बंद है वो वेबहुक, तो मैं वेलकम में जाके ना वेबहुक को ओपन कर देता हूँ, फुलफिलमेंट इनेबल वेबहुक और सेव। अब जब बंदा हाई बोलेगा तो भी वेबहुक से रिक्वेस्ट जाके रिस्पॉन्स आ रहा होगा, राइट। अच्छा, तो अब इसमें हो वेलकम में आमतौर पर हम ये क्यों लगाते हैं? वेलकम में आमतौर पर हम वेबहुक से रिस्पॉन्स भिजवाते हैं। उसका रीज़न ये है कि बंदा जब हाई बोले ना तो उसको अगर मॉर्निंग हो रही हो तो मैं गुड मॉर्निंग बोल दूँ, अगर इवनिंग हो रही हो तो मैं उसको गुड इवनिंग बोल दूँ, नाइट हो रही हो तो मैं उसको बोलूँगा भाई कुछ और बोलूँगा रेलिवेंट। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने वेलकम में भी लगा दिया कि भाई अब यहाँ से भी वेबहुक से रिक्वेस्ट जाकर रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। फॉल बैक में भी लगा देता हूँ, फॉल बैक भी बनाया हुआ है ना मैंने, वो भी बना देता हूँ, बल्कि फॉल बैक में नहीं लगाता हूँ, सही है, ताकि ये भी एक एग्जांपल रहे कि यार अगर मैंने बावजूद इसके कि वहाँ बनाया हुआ भी है बट यहाँ से इनेबल नहीं है तो रिक्वेस्ट जाएगी ही नहीं, वो कोड वहाँ पे ऐसी सिटिंग बर्ड होगा, मतलब उसको कुछ यूज़ नहीं हो रहा होगा वो। अच्छा, अब जब वेदर बोलता हूँ मैं तो मेरे पास कौन सा फंक्शन चलेगा? ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है। वेलकम वहाँ से भेजूँगा तो पहले मैं वेलकम को खोलता हूँ। अब वेलकम में क्या हुआ है, वेलकम के अंदर इसने पकड़ा हुआ है एक एजेंट एज अ पैरामीटर, एजेंट डॉट एड, ठीक है, वेलकम टू टेम्परेचर कन्वर्टर, एजेंट डॉट एड न्यू कार्ड टाइटल इमेज टेक्स्ट टेक्स्ट बटन बटन यूआरएल, एजेंट डॉट एड एजेंट डॉट सजेशन, ठीक है। अब ज़रा ये जो इसने भिजवाया हुआ है यहाँ से वापस, उसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि डायलॉग फ्लो पे वो दिखता कैसा है। डायलॉग फ्लो पे मैं जाके बोलता हूँ हाय, ठीक है, ये क्या बकवास है, टेम्परेचर कन्वर्टर बोलना चाहिए इसको, क्यों नहीं बोल रही है? मेरा वेबबुक फेल हो गया क्या? सेव किया हुआ मैंने, वेलकम में जाके देखता हूँ वो इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, इनेबल हुआ है भाई वेलकम में। एन जी रॉक भी सही सेव है भाई, आई एम योर वेदर असिस्टेंट हाउ कैन आई, ओह अच्छा, मैंने एक पैरामीटर इसमें इनपुट लिया हुआ है वेलकम में, ठीक है, वेलकम में मैंने एक पैरामीटर इनपुट लिया हुआ है जो मुझे जाहिर है वो पैरामीटर पूछ रहा है, जब तक जाहिर है वो पैरामीटर नहीं मिलेगा वो पहुंचेगा नहीं वेलकम पे, तो चलो मैं उसको दे देता हूँ यार माई नेम इज़ मलिक, ठीक है, पैरामीटर मैंने दे दिया उसको। अच्छा, अब क्या हुआ, ओह अब मेरा जो वो था क्या बोलते हैं सर्वर, सर्वर का कोड ब्रेक हो गया। सर्वर का कोड ब्रेक क्या बोल के हुआ कि कार्ड इज़ नॉट डिफाइंड, भाई कार्ड जो आप बता रहे हो ना ये मुझे नहीं, अच्छा सजेशन भी नहीं मिल रहा होगा फिर तो, कार्ड भी नहीं मिल रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉमा डाल के ना कार्ड को रिक्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे और सजेशन को भी रिक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, सही है, गलती थी मेरे कोड में तो मना कर दिया उसने, सेव किया मैंने दोबारा और मेरा कोड चल पड़ा। यार वेलकम में मैंने पैरामीटर क्यों लिया हुआ है, हटा देता हूँ उसको, डिलीट, सही है, वेलकम में मैंने बिला वजह पैरामीटर लिया हुआ है, सही है, सेव कर दिया मैंने उसको। अच्छा बाय द वे, अब जब मैंने वेबहुक लगा दिया है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा डिफॉल्ट रिस्पांस में, मैं बोलूँगा भाई समथिंग वेंट रॉन्ग इन वेबहुक, सही है, क्योंकि अब क्या होगा अगर ये रिस्पॉन्स मुझे जा रहा है, ठीक है, ये रिस्पॉन्स अगर मुझे जा रहा है तो इसका मतलब वेबहुक मेरा फेल हुआ है, तो मैंने अब कहा हाय दोबारा से, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग इन वेबहुक, वेबहुक का कोड दोबारा से ब्रेक हो गया, चल के देखते हैं जी अब क्या हुआ है। अच्छा, कोई यूआरएल भेज रहे हैं ये सजेशन में, वो यूआरएल नहीं मिला, कार्ड में भेज रहे हैं ना ये यूआरएल नहीं मिला, तो मैं चलो यहाँ पे हार्ड कोडेड कोई यूआरएल लगा देता हूँ, सही है, sysborg.com, ठीक है, अपनी वेबसाइट लगा देते हैं इसमें, सेव, मेरा कोड दोबारा से चल पड़ा, फिर जाके ट्राई करते हैं, हाई लिखा एंटर, समथिंग वेंट रॉन्ग, फिर ब्रेक हो गया, अब क्या नहीं मिल रहा भाई, अभी भी वो यूआरएल इसको नहीं मिला। अच्छा, ये एक जगह पे और भी लिखा हुआ है ना, इमेज का यूआरएल लिखा हुआ है,
अच्छा तो इमेज भी यूआरएल की जगह पे मैं क्या करता हूँ, रैंडमली गूगल से कोई इमेज उठाता हूँ और उसका यूआरएल दे देता हूँ। मैं यहाँ इमेजेस में गया और इमेजेस में जाके मैंने ये बिजली की पिक्चर उठा ली, ओपन इन न्यू टैब, राइट, ये मुझे इसका यूआरएल मिल गया। मैंने कट किया और ये यूआरएल वक्ती तौर पे मैं लगा देता हूँ कि भाई ये यूआरएल लिख दो इसको, सही है, सेव। अब जनाब इसको दोबारा से रन करके देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा हाय, एंटर, ये आ गया भाई, ये मुझे कुछ इस तरह का अब नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें ना सिर्फ मैंने टैक्स भेजा हुआ है वहाँ से, मुझे सिर्फ टैक्स भेजने के लिए कितना लंबा चौड़ा काम करना पड़ा था। यहाँ से देखो टैक्स कैसे भेजते हैं, एजेंट डॉट एड और जो भी टैक्स लिखना है वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद कार्ड भेजना है तो ऐसे है, ठीक है, दोबारा टैक्स लिखना है कार्ड के बाद मजीद टैक्स, नोट करो यहाँ पे पहले कार्ड है और पहले टैक्स है, फिर कार्ड है, फिर एक और टेक्स्ट है नीचे, फिर उसके बाद सजेशन चिप्स है, ठीक है। तो ये ऐसे करके मैंने भेज दिया। अब सवाल ये है कि ये देखेंगे कहाँ से कि इसमें क्या क्या मौजूद है, सजेशन में क्या क्या हो सकता है, और ठीक है कार्ड में ये जो चार चीज़ें लगी हुई हैं, पांच चीज़ें, ये कहाँ से पता चलेंगे मुझे। इसकी भाई डॉक्यूमेंटेशन है लेकिन नहीं है। सजेशन का मतलब ये कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो जो भी सजेशन में लिखा हुआ है वो अगला मैसेज चला जाएगा। जैसे 27 सेल्सियस पे क्लिक किया ना मैंने, तो देखो ये मैसेज चला गया 27 सेल्सियस, दोबारा चैटबॉट को चला गया ना। खैर अभी इसमें से हम ये चीज़ें हटा देते हैं, सही है, अभी हम इसमें से ये चीज़ें हटा के क्या कर देते हैं। मैं कहता हूँ भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट चाहिए अभी फिलहाल, वेलकम इंटेंट में मुझे टेक्स्ट के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा तो मैंने कहा वेलकम टू द वेदर ऐप, वेदर असिस्टेंट, ठीक है, वेलकम टू वेदर असिस्टेंट लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने बोला कि यू कैन आस्क मी नेम, और नेम का बनाया था हमने, और क्या बनाया था, वेदर अपडेट्स, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि आप मुझसे नाम के बारे में पूछ सकते हैं और आप मुझसे वेदर अपडेट पूछ सकते हैं। पहली सजेशन मैंने क्या बताया, मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, ठीक है, 25 कैरेक्टर से ज़्यादा इसमें अलाउ नहीं है, तो कैरेक्टर मुझे गिनना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कैरेक्टर है चलेगा, 25 कैरेक्टर इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस सजेशन चिप। उसके बाद मैंने अगला क्या लगा दिया, मैंने क्या बताया कि वेदर अपडेट, ठीक है, तीसरा कैंसिल है उसको छोड़ देते हैं। अब जो मेरे पास बंदा आके बोलेगा हाय, तो उसके पास क्या बना हुआ जाएगा, वेलकम टू वेदर असिस्टेंट, यू कैन आस्क मी नेम और वेदर अपडेट, और नीचे सजेशन चिप आ गया। अब मुझे नेम अगर पूछना है तो मैं क्या करूँगा, मैं हाथ से लिखूंगा नहीं व्हाट इज़ योर नेम, मैं ये क्लिक कर दूंगा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, माई नेम इज़ सैलानी चैटबॉट, आई एम हियर टू हेल्प यू, समझ आया ये सजेशन चिप क्या चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और करते हैं फिर मैं सवाल आप लेता हूँ, इसको गूगल असिस्टेंट पे चेक करते हैं अब चला के। अच्छा इसको मैं अपनी रिएक्ट की ऐप पे अभी टेस्ट नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि जो रिएक्ट की ऐप पे रिस्पांस आएगा ना उसमें ये जेसन की फॉर्म में होगा, बट उसके लिए मुझे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, राइट, वो बने हुए नहीं है अभी, तो मैं इसको पहले गूगल असिस्टेंट पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो हमने किया हुआ है वहाँ पे टेस्ट करते हैं। हमारा कौन कौन से प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है ये चैटबॉट, गूगल असिस्टेंट और फेसबुक और व्हाट्सएप से भी कनेक्ट किया हुआ था हमने, बट अब नॉट श्योर कि वो सेशन होगा या नहीं। अच्छा तो मैं गया इंटीग्रेशन में, जल्दी जल्दी करते हैं अभी, इंटीग्रेशन में जाके मैंने गूगल असिस्टेंट के ऊपर टैप कर दिया, ठीक है जी, टेस्ट का बटन दबा दिया। पहले गूगल असिस्टेंट पे टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज आते थे सिर्फ, ऐसा ही है ना, पहले सिर्फ टेक्स्ट आता था, हमने भेजा भाई वही था, और वेबहुक से भी नहीं था वो, तो हार्ड कोडेड ही भेजा हुआ था हमने।
अच्छा मैंने कहा भाई टॉप टू सैलानी वेदर ऐप, अल्लाह करे चल जाए, पिछली दफा इसने बहुत तंग किया था ना चलने में। Okay, let's get the test version of Sailani weather app. Welcome to the weather assistant. You can ask me name or weather updates. सही है, देखो Google Assistant में भी क्या बन के आ गया, ये गोल गोल सजेशन चिप बना के मुझे दिखा दिया इसमें। इसको मैं रीसेट करके जरा मोबाइल फ़ोन वाला ओपन करता हूँ, मोबाइल फ़ोन पे क्योंकि ज़्यादा सही समझ में आता है। मैंने कहा भाई टॉप टू सैलानी वेदर ऐप कि मोबाइल फ़ोन पे ये किस तरह का दिख रहा होगा। Okay, here's the test version of Sailani weather app. Welcome to the weather assistant. You can ask me name or weather updates. कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। अब बंदा क्या कर सकता है, ये जो सजेशन चिप है इसमें से सेलेक्ट कर सकता है। ये तीन सजेशन चिप जो मैंने वहां से भेजा था तीनों यहाँ पर पहुंच चुका है। व्हाट इज योर नेम मैंने बोला, तो इसको व्हाट इज योर नेम चला जाना चाहिए। ये क्या बकवास है, हेलो माय नेम इज सैलानी चैटबॉट, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। व्हाट इज योर नेम बोला तो चला गया, बट ये शायद इन्होंने कोई एक्सपीरियंस चेंज किया है, डिस्प्ले नहीं आ रहा लिखा हुआ, वरना वो पूरा ना चैट की तरह डिस्प्ले आ रहा होता है। खैर अच्छा, अब मैं यहाँ से जाके कार्ड को दोबारा से ओपन कर देता हूँ। कार्ड को मैंने क्या कर दिया, दोबारा से ओपन कर दिया, जो भी कुछ कार्ड में था वो भी आ जाएगा। ठीक है, अभी कार्ड का कोई मकसद नहीं है इसमें, लेकिन जस्ट ओपन करके एक बारी उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। और मैंने इससे कहा हाय, हाय पे वो आ जाना चाहिए, वही रिस्पांस दोबारा। वेलकम टू द वेदर असिस्टेंट, अगर मैं कार्ड भेजूंगा तो वो भी इस तरह से मुझे दिख जाएगा कार्ड। ठीक है, कार्ड के ऊपर एक अदद बटन लगा हुआ है मेरे, सही है, कहाँ गया वो बटन मेरा, ये रहा बटन, टेम्परेचर विकिपीडिया पेज, ये बटन लगा हुआ है, सही है, ये बटन प्रेस करूँगा तो ये प्रेस हो जाएगा। मैंने प्रेस किया तो क्या हुआ, अच्छा वो मैंने प्रेस किया तो मेरी वेबसाइट खुल गई ना, जो मैंने उस पर नाम लगाया हुआ था वही वेबसाइट खुल गई, सही है। ये बटन है ना, इस पर मैंने वेबसाइट कौन सी लगाई हुई है, sisborg.com, तो मैंने क्लिक किया तो वो खुल गई वेबसाइट, सही है भाई। इमेज यूआरएल में जो इमेज का यूआरएल दिया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई इमेज, इजी है। अच्छा अब अगले इंटेंट की तरफ आ जाते हैं हम। अच्छा इसको मैं कार्ड को दोबारा से बंद कर देता हूँ क्योंकि कार्ड का यहाँ पे कोई मकसद नहीं है। अब हम खोल लेते हैं वेदर वाला, ठीक है। अब वेदर में मुझे पैरामीटर भी उठाने हैं, मुझे क्या उठाना है, पैरामीटर्स। तो पैरामीटर में कैसे उठाऊंगा, एजेंट डॉट पैरामीटर्स डॉट जो भी मेरे पैरामीटर का नाम है। तो मेरे पैरामीटर का नाम क्या है, जाके देखते हैं ना नीचे से, सिटी नेम है ना, खैर डायलॉग फ्लो में जाके देख लेते हैं मेरे पैरामीटर का नाम। मैं इंटेंट में गया, वेदर में गया, और वेदर में जाके मैंने देखा सिटी नेम है जी, मेरे पैरामीटर का नाम है सिटी नेम, तो मैंने यहाँ पे एक सिटी नेम कर दिया, सिटी नेम कर दिया। ठीक है, इसने दो पैरामीटर गेट किए हैं क्योंकि इनके पास दो है, मेरे पास दो नहीं था, मेरे पास एक ही था, तो मैंने एक को ही गेट कर लिया। और यहाँ पे यूज़र रिक्वेस्टेड कन्वर्ट टू यूज़र रिक्वेस्टेड सिटी, मैंने ऐसे कर दिया और यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, जो भी मैंने यूज़र से इनपुट लिया था उसको मैंने प्रिंट भी करवा दिया यहाँ पे। अच्छा अब इन्होंने नीचे अपनी एक बिजनेस लॉजिक लिखी हुई है कि भाई कन्वर्ट किस में करना है, क्या करना है, अगर सेल्सियस है तो, क्योंकि ये कन्वर्टर है असल में। ठीक है जी, तो मैं ये कन्वर्टर का जो बिजनेस लॉजिक है ये पूरी हटा देता हूँ, ये मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, नहीं ना हम कन्वर्टर नहीं बना रहे ना, हम तो जस्ट वेदर अपडेट दे रहे हैं। अबे वो तो बनी हुई है ना, वो तो वहाँ से रिपोजिटरी पे जाके क्लिक करना, पूरी बनी हुई वो ऐप है। अभी अभी ये जो करके बता रहा हूँ वो कर लो, मैं जब भी तो कह रहा हूँ कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन मैं बता दूंगा कि कहाँ से देखना है। यही तुम्हारा सवाल है ना कि कार्ड में बटन कितने लग सकते हैं, कहाँ कहाँ लग सकते हैं, कार्ड में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स में से देखना पड़ेगा। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट इन्होंने नहीं बनाया है, मैंने भी नहीं बनाया, वो इसके अंदर एक जगह पर दिख जाता है। अच्छा अब इन्होंने यहाँ पे से रिस्पॉन्स भेजा हुआ है, राइट। अब रिस्पॉन्स पे मैं क्या भेजूंगा, मैं रिस्पॉन्स पे भेजूंगा इन सिटी नेम, इन सिटी नेम इट्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी,
मैंने एक रिस्पांस जस्ट यहाँ से भेज दिया और बाकी पूरा उड़ा दिया। नीचे सजेशन चिप में मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ तो ये बता दिया मैंने, वुड यू लाइक टू नो एनीथिंग एल्स। क्या कह रहे हो? खुद कैसे लिखेगा वो कोर्स? व्हाट इज योर नेम और क्या लगाया हमने? हाय एक लिख देते हैं। यहाँ पे सजेशन चिप में ना हमें क्या लगाना होता है कि भाई ज़रूरी नहीं है वैसे हर दफ़ा मैं सजेशन चिप लगाऊं, लेकिन ये लगाना होता है कि आगे यूज़र क्या पूछ सकता है, तो उसको हेल्प आउट हो जाती है, वो क्लिक करेगा उसका काम हो जाता है। सजेशन चिप इस चीज़ के काम आ रही होती है। अच्छा, फॉल बैक इंटेंट में इसने एक हार्ड कोडेड लिखा हुआ है कि भाई आई डिडेंट गेट दैट और इस तरह करके, ठीक है भाई वही चीज़ चली जाएगी। तो ये मेरा वेदर का जो इंटेंट है, जो पहले जेसन में रिस्पॉन्स भेज रहा था मैं, वही रिस्पॉन्स अब मैंने क्या कर दिया, लाइब्रेरी के थ्रू भिजवा दिया, ठीक है। और मेरा कोड काफ़ी क्लीन हो गया है पहले से। अब मैं यहाँ पे जो बिजनेस लॉजिक मेरी होगी सिटी का वेदर गाइड करने की, वो किस पॉइंट पे होगी, वो इस पॉइंट पे होगी, टू डू गेट वेदर फ्रॉम एपीआई, राइट। इस पॉइंट पे मैं गेट वेदर करूँगा एपीआई और ये 27 डिग्री की जगह पे उसको लगा के भेज दूँगा, ये रिस्पॉन्स चला गया मेरा। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि लाइब्रेरी मैंने चला के तो दिखा दी, ये कोड में कमेंट भी कर देता हूँ। सही है वेबहुक। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई ये दिखेगा कहाँ से, कि डॉक्यूमेंटेशन किधर है इसकी, तो जाके हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को तलाश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन्होंने ये बोला ऐसे, यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने, ठीक है, कि डायलॉग फ्लो की डॉक्यूमेंटेशन ये है, वेबहुक क्लाइंट का क्लास रेफरेंस जो है वो यहाँ है, ठीक है, रिच रिस्पॉन्सेज का क्लास रेफरेंस यहाँ है, ठीक है। तो मैं चला गया डायलॉग फ्लो वेबहुक क्लाइंट के क्लास रेफरेंस में, ठीक है जी। और क्लास रेफरेंस में जब मैं गया तो क्या हुआ, वो URL ही चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अब एग्जिस्ट नहीं करता है जहाँ इसने भेजा है। मैंने कहा डायलॉग फ्लो रिच रिस्पॉन्स रेफरेंस, इस पे मैं गया तो यहाँ पे भी क्या हुआ, वो URL ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो ख़त्म हो चुका है URL जहाँ पे था। अच्छा, फिर मैं आगे जाता हूँ और बिल्डिंग एक्शन, ये तो दूसरी चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। GitHub कह रहे भाई GitHub में जाके देख लो, मैं GitHub में चला जाता हूँ, ये आ गया मैं GitHub में भाई, ठीक है। GitHub में आके मैंने क्या किया, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट नॉट जेएस के नाम से, यहाँ मैं देखता हूँ शायद यहाँ बताया हो डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है, क्विक स्टार्ट हो गया जी, ठीक हो गया, ये बनी हुई एग्जांपल्स हैं, यहाँ से तो आप खैर देख ही सकते हैं, अभी हमने वहीं से देखा है। उसके बाद यहाँ पे सेम रेफरेंस का लिंक यहाँ पे भी लगा हुआ है, मैं यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन खोलूँगा, अगर डायलॉग फ्लो की डॉक्यूमेंटेशन मैंने ओपन की है तो ये भी यहाँ पर मुझे डायलॉग फ्लो की डॉक्यूमेंटेशन पर लेकर आ गया कि CS और EX, ठीक है। मैंने कहा नहीं यार ये तो मेरे काम का नहीं है, मुझे चाहिए वेबहुक क्लाइंट का क्लास रेफरेंस, इसको मैंने ओपन किया तो नहीं है, यहाँ से भी नहीं मिल रहा है मुझे, इसको ओपन किया यहाँ से भी नहीं मिल रहा मुझे, सब जगह एक ही डॉक्यूमेंट पे लेकर आ जाता है ये, ठीक है। अच्छा, तो मैं अभी देखता हूँ शायद यार इसी में कुछ होता हो, इसी में से कहीं से अंदर जाके मिलता हो मुझे ये, लेकिन मुझे यहाँ पे भी होपफुली वो नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं आगे गया, मैंने कहा डायलॉग फ्लो ES में मुझे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा तलाश कर लेते हैं एक बार, शायद यहाँ पे मिल जाए। मैं आ गया फुलफिलमेंट पे, ठीक है, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट है, फुलफिलमेंट में वेबहुक सर्विस जहाँ से हमने जेसन देखा था लास्ट, ठीक है, ये जेसन का रिक्वेस्ट है, ये जेसन में रिस्पॉन्स है, कार्ड का रिस्पॉन्स इस तरह से है, ठीक है, गूगल असिस्टेंट का रिस्पॉन्स इस तरह से होगा, कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये और भी सारी चीज़ें बता दी इसने मुझे, वेबहुक लगाना बता दिया। ठीक है भाई, ये अभी आगे निकल गया, यहाँ पे कोई ऐसा मुझे रेफरेंस का डॉक्यूमेंट नहीं मिला, ये डॉक्यूमेंट ख़त्म हो गया,
ठीक है भाई, स्लॉट फिलिंग पे चला गया, स्लॉट फिलिंग तो मेरा काम ही नहीं है। यहाँ पर भी कुल मिला के बात यह है कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा जिससे मेरी हेल्प हो पाए। अच्छा, अब मैं जाता हूँ रेफरेंस में, रेफरेंस में शायद मुझे मिले। ठीक है, क्लाइंट लाइब्रेरीज में गया मैं, मैंने कहा नॉट जेएस की क्लाइंट लाइब्रेरीज जितनी भी है, तो यहाँ पे मुझे वेबहुक क्लाइंट मिल जाना चाहिए वो लाइब्रेरी, लेकिन यहाँ पे वेबहुक क्लाइंट का कोई जिक्र नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, मैंने कहा यार चलो कहीं और भी देख लेते हैं, कॉमन लैंग्वेज रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं मिला मुझे, ये तो कुछ दूसरी बात बता रहे हैं कि ये वो बता रहे हैं कि लैंग्वेज कौन कौन सी सपोर्टेड है। REST API के डॉक्यूमेंट में गया मैं, मैंने कहा भाई V2 का रेफरेंस मुझे बताओ, तो ये तो सारा REST API बता रहे हैं, या तो लाइब्रेरी का कोई जिक्र ही नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि इस लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी मौजूद नहीं है पूरे इंटरनेट पर, पहले थी वो लिंक आगे पीछे हो गया और वो अब नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम ये करेंगे वापस आएंगे अपने कोड में, और कोड में आने के बाद हम खोलेंगे नॉड मॉड्यूल्स। नॉड मॉड्यूल को खोलेंगे हम, यहाँ तलाश करेंगे उस लाइब्रेरी का नाम। ठीक है, क्या नाम है भाई, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट ना, डी में ही था, डी में हम मिस करके आगे आ गए, ये आ गए हम डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट में। ठीक है, और उसके बाद हम आ गए जनरेट डॉक्स डॉट जे एस में। ओ नहीं, गलत खोल दिया मैंने, यहाँ पे एक फाइल है जिसमें ना वो सब दिख रहा होता है। ये आ गया भाई, यार वो भी तो नहीं उड़ा दिया इन्होंने यहाँ से, ये रहा। अच्छा, मैं कहाँ गया, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट के अंदर SRC और SRC के अंदर रिच रिस्पॉन्सेज। अब रिच रिस्पॉन्सेज में ना कार्ड रिस्पॉन्स का एक आया हुआ है, तो इन्होंने यहाँ पे बनाकर बताया हुआ है कि कार्ड रिस्पॉन्स में ये चीज़ मिलती है। ठीक है, इमेज रिस्पॉन्स कैसे होता है भाई, ये इस तरह से होता है, मैं इमेज अगर लगाना चाहूँ, कॉपी किया मैंने उसको, और कॉपी करने के बाद मैं अपने सर्वर की फाइल में गया, और सर्वर की फाइल में जाके ना वेलकम के अंदर मैंने इमेज अगर मैं भेजना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह से भेजूँगा उसको। अच्छा, कि स्टैरिक मुझे हटानी पड़ेगी, स्टैरिक। ठीक है, मैं इमेज भेजना चाह रहा हूँ, तो इमेज का URL चाहिए, मैंने यही URL उठा लिया ऊपर से, जो बिजली का URL था ना वो उठा लिया मैंने। हाँ भाई, बिजली का URL नहीं हो सकता है, ये इमेज मैंने, अरे क्या बकवास है, एक मिनट, मैंने गलत जगह लगा दिया। ओ, दो तरीके से ये हो रहा है, असल में बताना ये चाह रहे हैं कि दो तरीके से हो सकता है। एक तो तरीका ये है कि आप करो न्यू इमेज और उसी में URL पास कर दो, दूसरा ये हो सकता है आप न्यू इमेज करके JSON पास करो अंदर, तो दोनों के तरीके से हो सकता है। तो मैं पहला वाला तरीका करता हूँ, वो ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, आसान है। ठीक है, दूसरे को मैंने उड़ा दिया। अब ये इमेज को मैं कैसे भेजूंगा, मैं कहूंगा एजेंट डॉट ऐड, ठीक है, इमेज सेट हो गया, ये मैंने इमेज भेज दिया। तो अब वेलकम इंटेंट में मेरे पास क्या आना चाहिए, पहले एक इमेज आना चाहिए फिर टेक्स्ट आना चाहिए। तो चल के हम देखते हैं, ट्राई करते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने हाई लिख के भेजा, समथिंग वेंट रॉन्ग इन वेबहुक, वाई, कस्टम स्टाइल इमेज पे क्या करनी है, इमेज नॉट, अच्छा इमेज ऊपर मैंने रिक्वायर नहीं किया, राइट, ये इमेज जो है, जो मैंने न्यू इमेज कर दिया वो मैंने यहाँ पे रिक्वायर नहीं किया हुआ है, इसलिए मुझे इसने एरर दे दिया। ठीक है, पहले मैं रिक्वायर करूँगा फिर ही उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इस वजह से उसने मुझे एरर दे दिया। अब अगेन मुझे ट्राई करना होगा हाय। ठीक है, पहले इमेज आई और फिर टेक्स्ट आया। तो जी टोटल 5 तरह के ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जो ये सपोर्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले टेक्स्ट है, कार्ड है, इमेज है, सजेशन चिप है, और कस्टम पेलोड है। ठीक है, कस्टम पेलोड क्या चीज़ है, कस्टम पेलोड एक कस्टम जेसन है,
मिसाल के तौर पे इन पांचों के अलावा जैसे फेसबुक मैसेंजर है, फेसबुक मैसेंजर में क्या होता है, आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, तो वॉइस मैसेज का जो जेसन उन्होंने बताया हुआ ना फेसबुक वालों ने, वो इसमें रख के मैं भेज सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे भेजते हैं ज़रा देख लेते हैं आगे। पहले तो इस चैटबॉट को हम फेसबुक पर ज़रा चला के देखते हैं, गूगल असिस्टेंट पर तो देख लिया हमने चला के, फेसबुक पर हम चला के देख लेते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा, क्या था मेरे फेसबुक के पेज का नाम जिस पे मैंने कनेक्ट किया था? ये है भाई। अच्छा, पेजेस में आ गया जनाब, और स्मॉल टॉक था आई थिंक, राइट, स्मॉल टॉक था आई थिंक जिसमें हमने ये लगाया हुआ था। तो मैंने कहा कि टेस्ट बटन, और टेस्ट बटन करके मैंने कहा हाय। ठीक है, सेम वही रिस्पांस आ गया मेरे पास जो मैंने वहां से भेजा हुआ था। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए यार, सजेशन चिप भी तो भेजी थी, वो क्यों नहीं आया? सजेशन चिप इसमें नहीं आया? नहीं नहीं सजेशन चिप होता है इसमें फेसबुक में। मैंने कहा भाई वेदर, वेदर कराची, एंटर। ठीक है, कराची में 27 डिग्री बोल के इसने खत्म कर दिया, सजेशन चिप बारल नहीं उठा रहा है ये। तो हम एक काम करते हैं, अब हम देखो ये इसमें काम नहीं कर रहा सजेशन चिप, जो जिस तरह का ये भेज रहे हैं फेसबुक को, वो समझ में नहीं आ रहा। तो अब इसमें मेरे पास एक कस्टम पेलोड का भी ऑप्शन है, तो हमें ज़रा चल के देखते हैं पेलोड कैसे इस्तेमाल होता है, वो चल के देख लेते हैं। इस तरह से इस्तेमाल होता है जैसे इन्होंने ये बताया हुआ है, यहाँ पे ऐसे बोला है कि भाई ऐसे पेलोड लिखो आप पहले, गूगल पेलोड जेसन। गूगल असिस्टेंट का इन्होंने पेलोड कोई गूगल की डॉक्यूमेंटेशन से उठाया हुआ है और वो ऐसे करके लगा दिया है। उसके बाद कैसे किया है, न्यू पेलोड, प्लेटफॉर्म का नाम एक्शन ऑन गूगल, और उसके बाद ये कॉमा डाल के जेसन, ऐसे करके मुझे देना है। ठीक है, तो मेरे केस में क्या है, इसको मैं उठा लेता हूँ पूरा, इसको मैं उठा के अपने सर्वर पर लेकर आ जाता हूँ, और मैं कहाँ रखूँगा, मैं वेलकम वाले पे, वेलकम वाले पे सजेशन चिप जो मैं भेज रहा हूँ वो फेसबुक में नहीं पहुँच रही है, तो मैं ऐसे करके इसको भेजूंगा। मैं यहां पे क्या लिखूंगा, फेसबुक। अच्छा, इसमें बाय द वे ना अंदर ही एक वो भी लगा हुआ है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप भेज सकते हैं। ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, यहीं से ढूंढो, मिल गया तो नसीब। सही है, ये रहा प्लेटफॉर्म्स। अब ये प्लेटफॉर्म्स पे मैंने क्लिक किया ना, तो ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं। ये मैं कहां से देख रहा हूं, ये मैं इसी लाइब्रेरी के नोट मॉड्यूल्स में जाके, वहाँ से जाके कोड रीड कर रहा हूँ इनका मेरा, राइट, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ये कोड रीड कर रहा हूँ। अच्छा, इनका डेवलपर थोड़ा सही था, कुछ उन्होंने कमेंट्स वगैरह अच्छे से किए हुए, तो चल जा रहा है काम, वरना ये भी काम नहीं चलता। तो मैंने कहा भाई फेसबुक है, और क्या कर दिया मैंने, ये पेलोड डॉट कैसे इन्होंने बताया हुआ था यूज कराना। अच्छा, अब ये कमेंट में भी ना एक इशू है, एक ब्रैकेट यहाँ से मिसिंग है। दोबारा से मैं कॉपी करता हूं,
ठीक है, इसको मैंने कह दिया फेस बुक एंटर। अब मुझे इस जगह पर क्या करना है, फेसबुक सजेशन चिप लगाना है, राइट। तो अब ये फेसबुक सजेशन चिप जो है ना, वो क्या होगा, वो एक अदद जेसन होगा, जो मुझे कौन बताएगा, जो मुझे फेसबुक वाला बताएगा। फेसबुक से चल के पूछते हैं हम, ठीक है। मैंने कहा भाई फेसबुक रिच रिस्पॉन्सेज एंटर, कन्वर्जेशन कंपोनेंट्स नाम रखा हुआ है इन्होंने इस चीज का ना, रिच रिस्पॉन्सेज की जगह। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे ही मैं आया तो मुझे इसने क्या दिखा दिया, मुझे इसने बता दिया कि भाई टेक्स्ट मैसेजेस हैं, एसेट्स एंड अटैचमेंट्स हैं, क्विक रिप्लाईज हैं। तो मुझे क्विक रिप्लाई का देखना है जेसन के कैसा होता है। क्विक रिप्लाई कह रहे हैं कुछ इस तरह का दिखेगा, और इसका जो जेसन होगा वो भी कहीं ना कहीं मुझे बता देना चाहिए इसको। भाई जेसन तो बता दे यार, कॉन्फ़िगर होम स्क्रीन, चलिए तो होम स्क्रीन पे आ गया मैं। यार क्विक रिप्लाई पे, अच्छा क्विक रिप्लाई ये आ गया मैं, ठीक है जी। सेंडिंग क्विक रिप्लाईज एंटर। अब सेंडिंग क्विक रिप्लाईज में ये जेसन मुझे बताएगा, ये आ गए भाई मेरे क्विक रिप्लाईज, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे क्विक रिप्लाईज आ गया। अच्छा, तो क्विक रिप्लाई जो है वो एक अदद एरे है, अच्छा क्विक रिप्लाई में पोस्ट बैक इन्होंने लगा दिया, टैक्स क्विक रिप्लाई। मुझे टैक्स वाला चाहिए, मुझे पे बैक वाला नहीं चाहिए। इमेज यू आर एल पेलोड, मुझे ऐसा क्विक रिप्लाई चाहिए जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो। लोकेशन वाला भी क्विक रिप्लाई मौजूद है इनके पास, काफ़ी कुछ इनके पास मौजूद है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टेक्स्ट वाला ये उठा लेता हूँ, सही है। इसमें कंटेंट टाइप मैंने लगा दिया टेक्स्ट, उसका टाइटल होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। उसके साथ कोई एक छोटी सी इमेज भी लगा सकता हूँ, इन्होंने रेड करके एक इमेज लगाया हुआ है जो कि मुझे इस तरह से दिख भी रहा है यहाँ पे, तो मैंने ये उठा लिया। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ बटन टाइप टेक्स्ट। टाइटल मैंने कहा भाई आई एम क्विक रिप्लाई। अच्छा, इसमें भी लिमिट है कि भाई कितने कैरेक्टर का आप लगा सकते हैं, ये लिमिट है इसके अंदर भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आँख बंद करके कुछ भी। पेलोड को मैं नहीं भेजता, पेलोड को मैं रोक देता हूँ। इमेज को भी मैं क्या कर देता हूँ, रोक देता हूँ। मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए और उसका टाइटल, सॉरी उसकी टाइप बता रहा हूँ कि टेक्स्ट है, और वो टेक्स्ट भेज रहा हूँ जो टेक्स्ट मुझे भेजना है। और सेव किया मैंने, और सेव करके अब इसको ज़रा चला के देखते हैं कि ये काम कर पाया है कि नहीं कर पाया। हाय लिखा मैंने, एंटर किया, पेलोड को मैंने ऊपर रिक्वायर नहीं किया हुआ, ठीक है। मैं बार बार ये मिस्टेक कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो हम इसकी प्रैक्टिस जितनी करते जाएंगे हम परफेक्ट होते जाएंगे। मुझे तो जल्दी से पता चल जा रहा है, तो मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ। इसका रीज़न यही है कि प्रैक्टिस में हूँ मैं। अच्छा, क्विक रिप्लाई लेकिन शो नहीं किया इसने अभी भी। यहाँ पे ये तो जब होगा ना, जब मैं अपने एक्सप्रेस के सर्वर से भेज रहा हूँ, मैं जब होगा, मैं तो अभी वहां से भेज रहा हूँ।
अच्छा, लोगों ने ये सवाल भी पूछा हुआ है कि भाई क्विक रिप्लाई जो है ना वो एज इट इज लग नहीं रहा है। ओके, किसी ने गूगल पे बताया हुआ है कि भाई इस तरह से करना पड़ेगा आपको, सही है, किसी ने गूगल पे बताया कि भाई इस तरह से होगा, टेक्स्ट इस तरह से और क्विक रिप्लाईज उसके बाद, तो हम ऐसे करके देख लेते हैं। जैसे उन्होंने बताया था वैसे भी नहीं चला, खैर, लेकिन स्टिल यू हैव ऑप्शन टू सेंड कस्टम पेलोड। इसमें हम छोटी मोटी कोई मिस्टेक कर रहे होंगे इस वजह से ये इस वक्त काम नहीं कर रहा, लेकिन होपफुली ये काम करेगा। ठीक है, हम कोई छोटी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से ये राइट नाउ ये काम नहीं कर रहा, लेकिन अल्टीमेटली ये काम करेगा। अच्छा, एक छोटा सा और मैं काम करके देखूँ, क्योंकि ये क्विक रिप्लाई हमेशा एरे में होता है, तो मैं एरे डाल के देखता हूँ उसमें। ठीक है, क्विक रिप्लाई जो है और एक नहीं होता, दो तीन होता है, तो मैं काम करता हूँ क्विक रिप्लाई को दो कर देता हूँ एरे में डाल के। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ आई एम क्विक रिप्लाई टू। ठीक है, ये बात कह दी मैंने, और इमेज भी कुछ ना कुछ लगा देता हूँ, हो सकता है इमेज ना होने की वजह से ये चलने में प्रॉब्लम कर रहा हूँ, तो मैं यही बिजली की इमेज इसमें भी डाल देता हूँ। हर जगह बिजली भरते जा रहे हैं, देखना कहीं पटवट नहीं जा रहे, बिल आएगा बिजली का नहीं, ये फोटो से बिल नहीं आता। भाई नहीं आया, कसम खा ली इसने कि नहीं आऊंगा। अच्छा, थर्ड एक ऑप्शन भी दे रहा है ये, आपने तुम्हारी बात समझा नहीं, कॉल करूंगा ना, किया हुआ तो नहीं किया, अबे हाँ यार ये मैंने कब से नहीं किया, शुरू से नहीं किया हुआ, हाँ तो जाएगा ना सेवा बेचारा, नहीं यार मुझे याद है मैंने किया हुआ था, अरे नहीं किया हुआ यार वाकई में, देख रहे हो ये होता है, मैंने पेलोड यहाँ पे बना के तो रख लिया, लेकिन इसको एजेंट डॉट ऐड तो मैंने किया नहीं है, तो वो जाएगा कैसे, सही बोल रहे हैं यार ये बिल्कुल। चलो यार हो जाता है कभी कभी, एजेंट डॉट ऐड पेलोड, ठीक है, लाइक दिस, ये मुझे करना है, इसके बगैर ये एजेंट के अंदर नहीं जा रहा हूँ, और एक बार और हम ट्राई करके देखते हैं इसको। अच्छा आया, अभी भी नहीं है भाई, दबाइए तो मैं दोबारा से वही चीज़ ट्राई करता हूँ जो मैं ट्राई करने के लिए जा रहा था, कि मैं इमेज इसको दे देता हूँ, बल्कि एरे में कर देता हूँ यार, इमेज तो ज़रूरी नहीं होती, आई थिंक एरे में कर के देखता हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और दो कर दिया मैंने, और इसको मैंने कह दिया क्विक रिप्लाई टू है आपका नाम भी, और इमेज को मैंने दोनों में कॉमेंट कर दिया वापस, और अब मैं दोबारा से इसको हाई बोल के देखता हूँ। नहीं आया भाई, कसम खा ली इसमें,
एक बार मैं इस बंदे का क्वेश्चन भी ज़रा गौर से पढ़ता हूँ कि इसने क्या किया हुआ है। अच्छा बाय द वे, ये काम करता था ना, जो इसकी जो सजेशन चिप है वो बाय डिफॉल्ट पहले फेसबुक पे शो हो रही होती थी, लेकिन मे बी अभी फेसबुक ने कुछ चेंज किया है या कुछ इस तरह का हुआ है जिसकी वजह से ये आना बंद हो गया है। एजेंट डॉट ऐड को सही कॉल करना है, इसी तरह ही होगा, ये पेलोड डाल दिया। जैसे सजेशन जब में क्या होता था, अंदर ही बना के ही उसको अंदर ही डाल देते थे, लेकिन मैंने बनाया अलग है, उसको सेंड अलग किया, ठीक है, बनाया अलग है, सेंड अलग से किया। नहीं अभी वो भाई नहीं जा रहा तो उसको छोड़ देते हैं ना फिलहाल, उसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। अच्छा हम एक काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सजेशन चिप भेजें, हम कुछ और भेज के ट्राई करते हैं, हम कुछ और भेज के ट्राई करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं मैसेज के, वो सही है, परसिस्टेंट मेन्यू करके एक चीज़ है, परसिस्टेंट मेन्यू करके भी एक चीज़ है, वो भी हम भेज के देख सकते हैं, सेटिंग द परसिस्टेंट मेन्यू। ये है इसका परसिस्टेंट मेन्यू का जो है ना, बल्कि यार ये मैं तुम लोगों को असाइनमेंट दे देता हूँ ना, सबसे आसान हल है, सही है, फेसबुक के चार कंपोनेंट कम से कम बना कर लाना। क्विक रिप्लाई सबसे पहला हो गया, गूगल करना सर्च करना होगा ये, सही है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये होगा। अच्छा अब हमारे पास आधा घंटा रह गया है, इसमें जल्दी से हम क्या देख लेते हैं, SSML। जी दोस्त, हाँ देखो अब डिपेंड करता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, मिसाल के तौर पे गूगल असिस्टेंट एक वक्त में एक से ज़्यादा कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, तो उसमें दो भेजोगे भी तो जाएगा एक ही, लेकिन अगर तुम्हारी खुद की रिएक्ट की एप्लीकेशन है तो तुम दो भेजो तीन भेजो वो तुम्हारे पास पहुँचेगा, ठीक है, तुम उसको डिस्प्ले भी करवा दो। कैरोसेल भी उसी तरह जाएगा, कस्टम पेलोड की तरह, ठीक है। अच्छा इसकी एक लाइब्रेरी और भी है, उसका नाम है उसका नाम इन्होंने यहाँ पे बताया है, एक्शंस ऑन गूगल की भी लाइब्रेरी है, ठीक है, वो लेकिन प्योरली गूगल असिस्टेंट के लिए बनी हुई है, उन दोनों के साथ ना एग्जांपल यहाँ बताई भी है उन्होंने, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट एंड एक्शन ऑन गूगल टुगेदर, कि दोनों को मिला के कैसे करते हैं, ये एग्जांपल देख लीजिएगा, कैरोसेल कार्ड तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक टॉपिक हमारा रह गया SSML। अच्छा SSML क्या चीज़ है भाई, SSML ये चीज़ है भाई कि एजेंट डॉट एड के अंदर ना जो मैं टेक्स्ट भेज रहा हूँ इसकी जगह पे मैं SSML भी भेज सकता हूँ, ठीक है। SSML का मतलब, जी दोस्त मैं दो मिनट में छोड़ता हूँ। अच्छा SSML सुन लो क्या होता है, फिर वापस आके इम्प्लीमेंट करते हैं। कितने बजे? अच्छा सुन लो जल्दी से कर निकलता है। SSML का मतलब है स्पीच सिंथेसिस मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, चार इसके वर्ड हैं। अब अगर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको गूगल असिस्टेंट कैसे बोल के बताता है, ऑर्डिनरी जैसे उसका दिल करेगा सीधा सीधा बोल के बता देगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा धीमा बोले, थोड़ा रुके, जैसे बोले वेलकम टू और उसके बाद रुके फिर बोले द वेदर असिस्टेंट, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ करनी है, ठीक है, या कोई वर्ड उसको गा के बोले थोड़ा, कोई वर्ड उसको एक्साइटेड होके बोले थोड़ा, ठीक है, या आप एक लाइन बोले उसके बाद थोड़ा सा म्यूज़िक बजे फिर अगली लाइन बोले, तो इस तरह की सारी चीज़ें मैं SSML के ज़रिए कर सकता हूँ। UI बनाने के लिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, HTML। वॉइस एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए, वॉइस यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए हमें चाहिए होता है SSML, ठीक है। तो SSML के अंदर बहुत सारे टैग्स हैं, सेम उसी तरह जैसे HTML के अंदर होते हैं, और उन टैग्स का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्पीच है उसको मोर लाइक रियल बना सकते हैं,
ठीक है, जैसा हम उसको बनाना चाहते हैं। जाहिर है बिल्कुल ह्यूमन लाइक तो पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि स्पीच सिंथेसिस लैंग्वेज में अभी लिमिटेड टैग्स हैं, लिमिटेड चीज़ें हो रही हैं, और हर कोई उसको थोड़ा अलग तरीके से भी कर रहा है। मैं बोलूँगा एक्साइटेड होके बोलो तो हो सकता है अमेजोन उसको थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड होके बोल दे, गूगल थोड़ा कम होके बोल दे। ठीक है, एक SSML हमने अलेक्सा में भी पढ़ी है पहले भी, वो SSML जो है वो अलेक्सा की इम्प्लीमेंटेड है, उसमें कुछ एडिशनल टैग्स हैं जो अलेक्सा ने खुद ऐड किए हैं। गूगल असिस्टेंट में भी एक दो एडिशनल है जो गूगल असिस्टेंट ने ऐड किए हैं, इसका स्टैंडर्ड बनाया है W3C वालों ने। ठीक है, W3C जो HTML जिन्होंने बनाई है उन्होंने ये भी बनाया है, तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड दिया है सब लोग उसको पूरी तरह से अभी बना नहीं पाए, फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है, और उन्होंने जो स्टैंडर्ड में नहीं शामिल किया वो भी लोगों ने ऐड किए हैं अपनी तरफ से, तो अभी कहीं ना कहीं ये बन रही है। ठीक है, दरमियान में, तो अब जल्दी से आप लोग होकर आ जाएं जो भी नमाज वगैरह पढ़ के अटेंडेंस लगा के, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और आपसे फिर अगले दिन मिलते हैं क्लास में, छुट्टी करते हैं फिर। चलो भाई, आप सब लोगों ने SSML पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, SSML को दोबारा से दोहराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन SSML में कौन कौन से टैग्स होते हैं वो, ये उसका डॉक्यूमेंट है, इसका लिंक मैं आपको कहाँ भेज देता हूँ, air.sysborg पे। ठीक है, वैसे भी सिंपली गूगल पे जाके लिखोगे तुम, गूगल पे जाके लिखोगे SSML और साथ देखो मैंने क्या लिखा है, SSML डायलॉग फ्लो, तो ये लिंक आपके पास खुद ही से खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से टैग्स होते हैं पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया, अब नीचे जितने भी टैग्स हैं ना वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसी वाले डॉक्यूमेंट के अंदर अंदर। ठीक है, ब्रेक है जिससे थोड़ा रुक जाता है वो, से एज है कि भाई एक नंबर को जो है ना 1 2 3 4 5 करके बोले, या 2021 बोले, या 2021 बोले, क्या बोले उसको, तो से एज के ज़रिए ये काम हो जाता है। या जैसे CAN है तो उसको आप कैन पढ़े या CAN पढ़े, ठीक है, तो वो से एज में सारे काम होंगे। फ्रैक्शन में अगर कोई बात लिखी है आपने कि 1/2 तो उसको 1/2 बोले या 1/2 बोले, ये भी आप इसके ज़रिए बताएंगे। अच्छा, डेट की तरह से बोले, कोई बात आपने डेट लिखी हुई है तो डेट को किस तरह से पढ़ेंगे वो सब बता सकते हैं आप। अच्छा, ये डेट वाली चीज़ अमेज़न अलेक्सा में नहीं थी, इसमें है सिर्फ ये। ठीक है, इसी तरह ये एक और यूनिट है जो ये यूनिट भी अलेक्सा वाले में नहीं है आई थिंक। ठीक है, ब्लीप भी नहीं है उसके अंदर, फ्रैक्शन भी उसके अंदर नहीं है, कैरेक्टर उसके अंदर है। ठीक है, ऑर्डिनल है, कार्डिनल है, दोनों है, तो कुछ चीज़ें इसमें न्यू होंगी जो पहले वाले में नहीं थी। ठीक है जी, अब हम और आगे देख जाते हैं, ऑडियो है। अब ऑडियो में क्या है कि आप पूरा MP3 लगा के भेज सकते हैं और वो चलना शुरू हो जाएगा उसी के ऊपर। भाइयों, जो दूसरी क्लास के लोग हैं अभी बाहर, वो वेट करें, आप दूसरी क्लास के हैं ना, आप बाहर वेट करें या पीछे वाली सीट पे बैठ जाएं। ठीक है यार, गेट बंद कर दो पीछे वाला। अच्छा, पैराग्राफ एंड सेंटेंसेस ये आ गए आपके पास। असल में आपके बैठने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप एक एक करके अंदर आ रहे हैं ना, बैठ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्लास डिस्टर्ब हो रही है। लास्ट के 10 मिनट में कुछ टॉपिक कम्प्लीट करना चाह रहा हूँ आज, ठीक है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, वरना आपके बैठने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है प्रोसेडी। प्रोसेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है इसका, कि भाई जो बोला जा रहा है उसकी पिच को स्लो या हाई कर सकता हूँ मैं, पिच को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, वो स्पीड उसकी बोलने की कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कि भाई बहुत स्पीड में बोले तेज़ तेज़, या थोड़ा धीरे धीरे से बोले उसको। ठीक है, तो मैं वो कर सकता हूँ, इन्होंने एक टैग लगा के भी बताया हुआ है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं टेस्ट कहाँ पर करूँगा, पहले तो मैं टेस्ट करता था इसको अमेज़ॉन एलेक्सा स्किल किट में करता था, अब मैं इसको कहाँ पे टेस्ट करूँगा भला। ये मेरा डायलॉग फ्लो है, मैं डायलॉग फ्लो पर आया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको टेस्ट नहीं कर सकता, इसको टेस्ट करने के लिए सेटिंग में जाना पड़ेगा। ओके, सेटिंग में गया, और सेटिंग में जाके यहाँ पे है स्पीच, स्पीच में गया मैं, यहाँ नीचे मेरे पास देखो ऑप्शन बना हुआ आ गया, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट वॉइसेज एंड सेटिंग्स, तो यहाँ पे मैं इस SSML को पेस्ट करूँगा और पेस्ट करके प्ले का बटन दबाऊँगा। Less than prosody rate equals slow, pitch equals minus 2 stone, greater than, can you hear me now? Less than prosody greater than.
अच्छा ये इसमें ब्रेक हो गया, ये ब्रेक इस वजह से हो गया क्योंकि मैंने इसको ना स्पीक के टैग में नहीं रखा। स्पीक का टैग ओपन करना है मुझे और स्पीक का टैग क्लोज करना है, ठीक है, जब इसको समझ में आएगा कि ये क्या है। स्पीक की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, ठीक है, उसके अलावा इसको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या। Can you hear me now? ये रेट था स्लो, अब मैं रेट कर देता हूँ क्या, फास्ट कर देता हूँ। Can you hear me now? ठीक है, तो पहले इसने थोड़ा स्लो करके बोला था, आहिस्ता आहिस्ता बोला था, अभी इसने जल्दी करके बोल दिया, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कोई लंबा सा टेक्स्ट उठा लेता हूँ, यहीं से मैं कोई टेक्स्ट उठा लेता हूँ, ये मैंने पूरा टेक्स्ट उठाया और पूरे टेक्स्ट को उठा के मैंने इसके अंदर रख दिया, कैन यू हेयर मी नाउ की जगह ना ये पूरा टेक्स्ट रख दिया मैंने। अब ये तेज तेज बोलेगा इसको। The following example uses the element to speak slowly at 2 semitones lower than normal. ठीक है, मैं दोबारा से स्लो करता हूं उसको और अब दोबारा से स्लो करके प्ले करता हूं। The following example uses the element to speak slowly at 2 semitones lower than normal. ठीक है जी, तो ये हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लिया इसके साथ। अच्छा, अब मैं यही पूरा SSML उठा के कहाँ पे भेज सकता हूँ यार? बाहर बाहर रहे, बाहर प्लीज, अंदर नहीं आए, बाहर रहे, सामने आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, आप बाहर चले जाएं। जो बाहर दूसरे लोग आए उनको भी प्लीज रोक के रखिएगा। अच्छा, अब मेरा जो वेलकम इंटेंट है मैंने इसमें जाके क्या कर दिया, मैंने ये टेक्स्ट हटा दिया पूरा, और टेक्स्ट हटा कर ये मैंने क्या कर दिया, इसमें पूरा SSML पेस्ट कर दिया। अच्छा, SSML में कैसे करके पेस्ट करूंगा, सेम उसी तरह स्पीक का टैग ओपन, ठीक है जी, और स्पीक का टैग क्लोज, और बीच में मेरा सारा SSML होगा। अच्छा, अभी विजुअल स्टूडियो कोड जो है मेरा, ये SSML को रिकग्नाइज नहीं करता, समझता नहीं है, इसमें मुझे इंटेलिजेंस नहीं देता, लेकिन बहुत जल्दी ये VS Code में आ जाएगा। आप लोगों में से कोई चाहे तो VS Code का स्निपेट लिख कर पब्लिश कर सकता है, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। तो जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी होती है मैं बताता हूँ, जैसे आपने देखा मुझे क्रेडेंशियल हेल्पर में इशू आया तो मैंने उसके लिए छोटी सी लाइब्रेरी लिख के पब्लिश कर दी, तो ये अपॉर्चुनिटी है, आप में से कोई भी चाहे तो SSML का स्निपेट लिख सकता है विजुअल स्टूडियो कोड के लिए, लिख के पब्लिश कर दो, ठीक है, कल को किसी को दिखाने के काम आएगा, पैसे तो ज़ाहिर नहीं मिलेंगे, छोटा सा है बिल्कुल ये, तो कल को किसी को दिखाने के काम आएगा कि यार ये मैंने बनाया है, ठीक है, और पता भी चल जाएगा वॉइस के यू हैं, डेवलपर हैं, तो वॉइस से रिलेटेड काम आपने किया हुआ है। अच्छा, अब मैं ये चीज़ जब भेजूंगा यहाँ से तो मुझे गूगल असिस्टेंट पे क्या मिलेगा, ये SSML इसी तरह से मुझे बोल के बताएगा। मैं वापस आता हूँ गूगल असिस्टेंट के टेस्ट कॉन्सोल पे और मैं इसको क्या करता हूँ, रीसेट करता हूँ ताकि पुरानी चीज़ें ये भूल जाए, और मैं इसको कहता हूँ हाय, और हाय लिख के एंटर करता हूँ। भाईजान बाहर बाहर वेट कर लें बाहर प्लीज। क्या हुआ इसको, ये Okay, let's get the test version of Sailani Weather App. Can you hear me now? सही है, तो मैंने वो SSML वहाँ से भेजा था, तो वो SSML इसको यहाँ पर मिल गया प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम यहीं तक रोकते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एक दूसरी लाइब्रेरियन की एक्शन ऑन गूगल उस पर भी थोड़ा नज़र डालने की कोशिश करेंगे, SSML को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, और बाकी जो बच जाएगा टाइम उसमें मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगा, वो टास्क आपको बनाना होगा, ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को।